दोस्त, इंजॉय के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है और ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक इंजॉय के पीछे भागती रहेगी। पर एक बात, क्या कभी किसी भूखे इंसान या किसी प्यासे इंसान के मन में इंजॉय का ख्याल आ सकता है? वो सोच भी नहीं सकता। उस समय उसे भूख मिटाने की ख्याल आएगी, प्यास बुझाने की ख्याल आएगी। इसका मतलब इंसान इंजॉय तभी करता है जब उसका पेट भरा हो, उसके पास कई सारी सुविधाएं हो, और ये कई सारी सुविधाएं उसे किसी न किसी के मेहनत के बदौलत ही मिली है, तभी वो आज इंजॉय कर रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जो आपके पास सुविधाएं मिली है वो क्या फ्री में मिली है? इसके पीछे भी किसी न किसी के मेहनत लगा होगा, आपके पेरेंट्स के मेहनत लगा होगा। आज कोई धूप में खड़ा होगा, इसलिए आज आप छांव में खड़े हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आप खुद मेहनत करके इंजॉय करें वो अलग बात है, पर किसी के मेहनत के गलत फायदे उठाएं ये सबसे बुरी बात है। हम जिंदगी भर इंजॉय के पीछे भागते रहेंगे पर ये कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ जिंदगी के 3 से 4 साल मेहनत कर दें तो पेरेंट्स और हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। दोस्त, मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बेसिक ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होती है, और इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आपके पास कोई मकसद है और वो आप ही है जो अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। तो दोस्त उठो, कब तक आँख पर काली पट्टी बांधकर घूमते रहोगे? और एक काली पट्टी अपने आँख से आपको किसी न किसी दिन हटाना पड़ेगा, वरना आपके भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्त, कहीं देरी ना हो जाए इसलिए समय से पहले ही हटा लो। अगर मान लो पेरेंट्स ने जन्म दिया है तो हमारी जरूरतें पूरा करेंगे, तो क्या हम उनकी सुविधाओं की गलत इस्तेमाल करेंगे? वो हमारे फ्यूचर के बारे में काम कर रहे हैं और हम अपनी प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हैं, और फ्यूचर प्रेजेंट से बनता है। अब आप निर्धारित करेंगे कि किसी के धूप में मेहनत की आप छांव में कैसा इस्तेमाल करेंगे। देखो, इंजॉय दो तरीके से की जाती है, एक काम करने के बाद रिलैक्स होने के लिए इंजॉय की जाती है, और एक अपने बॉडी को रिलैक्स देने के लिए काम को लात मार के इंजॉय की जाती है। दोस्त, बर्बाद होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आबाद होने के सिर्फ एक रास्ते हैं, वो है प्रेजेंट में मेहनत। दोस्त, मैं इंजॉय के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, पर जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है उससे पहले रखो, बाद में इंजॉय करो। इंजॉय तो अपने आप भी हो जाती है, पर पढ़ाई अपने आप नहीं होती, करने से होती है। पूरी वीडियो देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।